यदि आप लोगों ने स्कॉलर का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। आपने स्कॉलर का फॉर्म भर दिया है, कॉलेज में जमा करा दिया है, अब आप लोगों को क्या करना है वो मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में। आपने स्कॉलर का फॉर्म भर दिया है, उसके बाद स्कॉलर का फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपने कॉलेज में जमा करा दिया है, यहाँ से अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। अब आप लोगों को क्या करना है वो मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्यूचर SUP टेक्निकल पावर, और मैं लक्की सर आपकी स्कॉलरशिप में पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैंने आपसे पहले भी वादा किया था जब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ जाती है मैं तब तक आपकी हेल्प करता रहूंगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए और मैं आपकी हर प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और अपने इसी YouTube चैनल पर पोस्ट करूंगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो मैं प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आप लोगों को अब क्या करना है, आपने स्कॉलर का फॉर्म जमा करा दिया है, उसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है वो मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप अपनी स्कॉलर की वेबसाइट ओपन कर लीजिए और उसके बाद अपना फॉर्म ऐसे लॉगिन कर लीजिए जैसे मैंने ये लॉगिन किया है। इस तरीके से आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहां पर लास्ट में आपको एक बटन दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर की बटन दिखाई दे रही है, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। यहां पर लिखा है चेक स्टेटस, तो चेक स्टेटस वाली बटन पर क्लिक करना है। आपका करंट स्टेटस क्या होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस चेक करंट स्टेटस वाली बटन पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपके स्कॉलरशिप का स्टेटस दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इस स्टूडेंट की स्कॉलर इसके खाते में ट्रांसफ़र हो गई है। यदि आपकी स्कॉलर आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुई है, यदि आपके स्कॉलरशिप स्टेटस में कोई इरर आ रहा है, यदि आपका स्कॉलरशिप स्टेटस ओपन नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा। जैसे कि बहुत से लोगों ने हमें बताया था कि स्कॉलरशिप का स्टेटस ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो मैं प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आपने देखा कि इस बच्चे की स्कॉलर इसके खाते में ट्रांसफर हो गई है, लेकिन जिस स्टूडेंट की स्कॉलर उसके खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुई है, उसके स्टेटस में कोई इरर आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। वैसे मैं हर इरर से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा और अपने इसी YouTube चैनल पर पोस्ट करूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं, वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है। लेकिन फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको स्टेटस नहीं दिख रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जब तक आप लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आ जाती है मैं लास्ट तक आपकी हेल्प करता रहूंगा। आप हमें फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपकी लास्ट तक हेल्प करता रहूंगा। जो भी स्कॉलरशिप में आपको प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड वीडियो बनाता रहूंगा, आपको रिप्लाई करके आपकी जो भी आप कमेंट करेंगे उस पर मैं रिप्लाई करके आपकी मदद करता रहूंगा। तो इस तरीके से मैंने स्कॉलरशिप में आप लोगों की मदद की है पहले, और मैं आगे भी इसी तरीके से आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद। स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, स्कॉलरशिप पाना आपका उद्देश्य है, स्कॉलरशिप के लिए आप बिल्कुल पॉजिटिव बने रहिए और बिल्कुल अच्छे से फॉर्म भरिए, आपको स्कॉलरशिप 101% मिलेगी। यदि आपने कोई गलतियां नहीं की, आपने अच्छे से मेरे वीडियो को फॉलो किया तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जय हिंद।